जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा है, भक्तों में बेचैनी बढ़ने लगती है। भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्तों का हुजूम इस तरह उमड़ पड़ा है कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची। भगवान की मनोहर छवि अपने मन में बसाए ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से श्री कृष्ण की लीला नगरी मथुरा वृंदावन में पधारे हैं। दिन भर के भूखे प्यासे श्रद्धालु भगवान के बाल रूप दर्शन के लिए व्याकुल हैं। जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसा ही नजारा सभी मंदिरों में है। मंदिरों में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियों को दिखाया जा रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा के संकीर्तन में सभी भक्त झूमते हुए उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब जग का पालनहार छोटो सो मेरो मदन गोपाल का जन्म होगा। यहाँ कृष्ण भक्ति का अमृत पान करने के लिए छोटे बड़े सभी समान रूप से उत्साहित हैं। भगवान के जन्म के इंतजार में माहौल पूरी तरह से भक्ति रस में सराबोर है। रात के 12 बजने वाले हैं। इस समय श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। सभी को इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब नंद के लाला का जन्म होगा। शंखनाद का स्वर सुनते ही सभी को पता चल जाता है कि पालनहार श्री कृष्ण का जन्म हो गया और श्रद्धालु खुशी से झूम उठते हैं। जन्म के तत्काल बाद दूध दही जल और शहद से श्री भगवान का अभिषेक हो रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद अब वो घड़ी आ गई है जब श्रद्धालु अपना उपवास तोड़ें। मंदिर में जन्म की खुशी में फलाहार का वितरण किया जा रहा है। श्रद्धा पूर्वक इसी प्रसाद को खाकर जन्माष्टमी व्रत पूरा करने के बाद श्रद्धालु इस आशा के साथ घर लौटने लगते हैं कि जिस तरह द्वापर में भगवान के जन्म के बाद भक्तों के कष्ट दूर हो गए थे, उसी तरह नटवर नागर नंद गोविंद हमारे तमाम कष्टों को दूर कर विश्व का कल्याण करें।